गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज बिजेन सिंह। आई एम ए एसएसटी टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर विच इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अक्षांश और देशांतर रेखाएं। नाउ लेट्स गो टू रीड। प्लेस ऑन द अर्थ आर लोकेटेड बाय मींस ऑफ टू सेट्स ऑफ लाइन ड्रॉन ऑन ए ग्लोब और ए मैप। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, तो जब जो है हम ग्लोब पर किसी पृथ्वी के किसी भूभाग को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो दो तरह की लाइनों के बीच में बना हुआ है, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बाय ज्योग्राफर, तो ये काल्पनिक रेखाएं जो है भूगोलवेत्ताओं द्वारा बनाई गई हैं। विच डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो लेकिन वास्तव में ये पृथ्वी पर जो है नहीं दिखाई देती हैं। ये केवल ज्योग्राफर्स ने जो ग्लोब पर पृथ्वी को का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि पृथ्वी का कौन सा भूभाग किस जगह पर स्थित है। थ्रू मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, अधिकांश जो है ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर पीपल थॉट दैट द शेप ऑफ अर्थ वाज फ्लैट, तो लोगों का मानना था कि पृथ्वी जो है चपटी है, लाइक ए प्लेट, जैसे कि कस्तरी होती है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड वाई पीपल हैड दिस थॉट, तो ये समझना बड़ा आसान है कि लोग ऐसा क्यों मानते थे। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यू डू नॉट सेंस द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम यहाँ ऐसा पृथ्वी की सतह पर कुछ भी ऐसा नहीं पाते हैं, कहीं ऐसा घुमावदार मोड़ नहीं आता है जिससे ये सिद्ध होता हो कि पृथ्वी जो है गोल है। ठीक है, स्फेरिकल अर्थ। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने जो है स्टेट इन द 6th century BC, तो उन्होंने 6वीं शताब्दी BC में जो है कहा था दैट द अर्थ वाज राउंड, कि पृथ्वी जो है गोल थी। ठीक है, बट नोबडी बिलीव हिम, लेकिन किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। लेटर आर्यभट्ट, बाद में आर्यभट्ट एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड कॉपरनिकस ए पॉलिश एस्ट्रोनॉमर वर ऑफ द व्यू दैट द अर्थ वाज स्फीयर, तो लेकिन उन्होंने पाया जो अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने पाया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, इन द 16th century, 16वीं शताब्दी में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, एक जो है प्रयोग हुआ ऑफ द अर्थ स्फेरिसिटी, तो पृथ्वी गोल है ये जांचने के लिए एक जो है प्रयोग किया गया, वाज अचीव्ड बाई फर्डिनेंड मैगलेनिन एंड एल्कोनो सरकम नेविगेशनल एक्सपेंडिशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये दो नाविक थे जिन्होंने एक जो है जहाज बनाया और या उससे जो है एक स्थान से यात्रा शुरू की, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस उसी स्थान पर आ गए थे 3 साल के अंदर। तो उससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी जो है गोल है, अगर पृथ्वी चपटी होती तो वो कहीं उनकी नाव कहीं गिर जाती। ठीक है, और वो कहीं खो जाते, लेकिन पृथ्वी चपटी नहीं है, वो लौट कर उसी स्थान पर आ गए, इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोल है। द शेप ऑफ अर्थ लाइक ए स्फीयर, बट द एक्चुअल मेजरमेंट प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, तो पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार है, लेकिन वास्तविक जो है मेजरमेंट है उसने ये सिद्ध किया है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। द अर्थ इज साइडली ब्लगिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल, तो उसे जो वास्तविक मेजरमेंट है उससे ये सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी जो है का जो ये इक्वेटर के पास जो भूमध्य रेखा के पास जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पर थोड़ी सी उभरी हुई है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ है। द ब्लग्स इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल्स और आउटवर्ड फोर्स, तो ये जो ब्लग्स, ये जो पृथ्वी में उभरापन आया है, ये भूमध्य रेखा के पास जो है ये बीच का हिस्सा जो उभरा हुआ है, ये पृथ्वी में उभरापन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आया है। ठीक है, कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसकी वजह से पृथ्वी का बीच का हिस्सा उभर गया है। दिस शेप इज रेफर्ड टू एज जियोइड, ये जो आकार है पृथ्वी के इस आकार को जियोइड के नाम से जानते हैं। दस द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ, दस द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 44 किलोमीटर्स,
shorter than the equatorial diameter, ठीक है, but for all practical purpose we consider the shape of the earth as sphere like a ball. लेकिन हम जो है पोलर डायमीटर और जो है इक्वेटोरियल डायमीटर में जो है काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी हम जब प्रैक्टिकल पर्पज़ से जब हम कभी इस पर चर्चा करते हैं तो ये मान लेते हैं कि पृथ्वी गोल है, जैसे कि एक बॉल होती है, ठीक है बेटा. तो जब पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर छोटा है, जो पोलर डायमीटर है वो 44 किलोमीटर छोटा है इक्वेटोरियल डायमीटर के, फिर भी क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल पर्पज किसी उद्देश्य से हम काम करते हैं तो ये स्वीकार कर लेते हैं कि पृथ्वी गोल है और उसका आकार एक बॉल के समान है. तो आज के लिए बस इतना ही, कल के वीडियो में हम ग्लोब पर चर्चा करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.